ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकेश जैन की प्राथमिकता है कि प्रदेश में कम से कम एक्सीडेंट हो, जिसके लिए रोड मैप भी तैयार हो रहा है और उनसे इसी मुद्दे पर खास बातचीत की है हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ सुभाष श्रीवास्तव ने। हमारे साथ में है मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एवं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकेश जैन साहब, और आइए जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो पब्लिक को सुविधाएं दी जा रही हैं वो किस प्रकार की दी जा रही हैं। जी नमस्कार। देखिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता है कि जो भी व्यक्ति आरटीओ कार्यालय आता है वो प्रफुल्लित होकर जाए। इसका मतलब है कि वो जो सर्विसेज ले रहा है वो सरल हो, प्रभावी हो और पारदर्शी हो। अब इन सब को करने के लिए हमने दो या तीन बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो हर एक आरटीओ कार्यालय में एक हेल्प डेस्क, परिवहन मित्र योजना का हमने नाम दिया था, क्योंकि कई लोग हमारे ग्रामीण भाई आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कहाँ पे सबमिट करना है, कौन सा फॉर्म सबमिट करना है, किसकी फोटोकॉपी लगानी है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले वो जाए परिवहन मित्र जो डेस्क बनी हुई है उस पर, और उसको वहां पे पर्याप्त हेल्प मिलती है। तो उससे क्या होता है कि ये मिडिल मैन की जो बात होती है कि बीच में दलाल लोग जो है परेशान करते हैं या पैसा वसूल करते हैं, उन चीजों से जो है मुक्ति मिलती है। तो ये लगभग क्या सारी आरटीओ कार्यालयों में चल रही है। दूसरी चीज आपने देखा कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी सर्विसेज ऑनलाइन हो जाएं। तो अभी आपने देखा होगा कि पिछले माह एक सवा महीने पहले से हम लोगों ने लर्निंग लाइसेंस को कंप्लीटली ऑनलाइन और फेसलेस कर दिया है। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। लर्निंग लाइसेंस का नंबर मैं आपको अगर बताऊं तो इस प्रदेश में 10 लाख लोग साल भर में लर्निंग लाइसेंस लेते हैं, यानी कि उन 10 लाख लोगों को अब आरटीओ कार्यालय में अपना समय, अपना ईंधन, अपना एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जहां पे घर पे जिस समय चाहें वो अपना ऑनलाइन जाएं, अपना आधार से डिटेल दें, आप वहीं टेस्ट कंडक्ट करें और वहीं डाउनलोड करके अपना लर्निंग लाइसेंस लें। तो पारदर्शिता उससे बढ़ेगी, समय उनकी बचत होगी, और अब ये नहीं पता लगाना है कि मेरे लर्निंग लाइसेंस का क्या हुआ, वहीं पे आपने टेस्ट दिया, यदि पास हो गए तो तत्काल डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हमारा यूथ, क्योंकि हमारे सारे क्लाइंटेल में सबसे ज्यादा यूथ है, लर्निंग लाइसेंस भी यूथ लेने आता है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में भी अधिकांश युवा आता है। हम नहीं चाहते कि उनका समय और एनर्जी आरटीओ कार्यालय की लाइन में खड़े होकर बर्बाद हो। वो काम करें जो देश की इकोनॉमी के लिए, उनकी खुद की इकोनॉमी के लिए, उनके खुद के करियर के लिए हो। तो पारदर्शिता, सहजता, प्रभाविता, ये हमारे मूल मंत्र हैं जिनकी तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। सर, मध्य प्रदेश में वैसे तो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी, इसके अलावा प्रदेश के जो परिवहन मंत्री, उन्होंने भी महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ करने का सोचा है, और आपकी क्या तैयारी महिलाओं? देखिए, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कदम और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री जी के मार्गदर्शन में ही जो संपन्न हो चुका है। आपने सुना होगा कि हमने इंदौर से प्रारंभ किया था महिलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण। महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के पीछे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहली बात तो रोजगार, जितनी ज्यादा महिलाएं वाहन चलाने में सक्षम होंगी उतना उनके लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे कि अब वो गाड़ियां, ओला उबर भी चला सकती हैं, सामान्यतः जो दूसरे परिवहन चला सकती हैं, कि गाड़ियों के प्राइवेट व्हीकल्स वाले जो डीलर्स होते हैं उनके यहाँ पे वैली पार्किंग वगैरह में काम कर सकती हैं, रोजगार। दूसरा, जितना ज्यादा महिलाएं वाहन चलाते हुए पब्लिक सर्विस में दिखेंगी उतना महिलाओं की सिक्योरिटी का परसेप्शन बढ़ेगा, वो हमारे दूसरे पर्पस रहे हैं। तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, खंडवा, उमरिया, झाबुआ, इन जगहों पे ऑलरेडी हम लोग ये प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, कम से कम एक प्रशिक्षण। इंदौर में तो 3 सत्र हो गए हैं। तो आपके प्रश्न को मैं दोबारा आऊं तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हमारी वो निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करें, ताकि न सिर्फ रोजगार के दरवाजे खुले हों, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितना ज्यादा दिखेंगी उतना महिलाओं के प्रति हमारे परसेप्शंस ज्यादा सुरक्षित महसूस होंगे। सर, केंद्रीय जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपके वेबिनार में शामिल हुए और जीरो एक्सीडेंट की बात कही जा रही थी। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने वही बात करी, आपका क्या आगे चल के इसको लेकर के? देखिए, जिस बात को कह रहे हैं ना, विजन जीरो जो हमने लॉन्च किया, विजन जीरो एक बहुत बड़ी योजना है और काफी देशों ने कई प्रदेशों ने पिछले 10-15 साल में ये सिद्ध कर दिया है कि विजन जीरो के सिद्धांतों का पालन करके हम दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्युओं में एक सब्सटेंशियल कमी कर सकते हैं। अब उसके 5 पिलर हैं। पहला होता है सेफ स्पीड, यानी कि वाहनों की स्पीड इतनी सुरक्षित हो कि यदि दुर्घटना हो
तो भी किसी की मृत्यु ना हो। हम नॉर्मली क्या करते हैं, बस एक नंबर लगा देते हैं कि यहाँ पे 30 या 40, लेकिन आइडियली ये होना चाहिए कि स्पीड ऑडिट होना चाहिए कि स्कूल यदि पास में है या अस्पताल पास में है तो यहाँ पे स्पीड कितनी होनी चाहिए, और वो ऑडिट कौन करेगा, हम करेंगे, पुलिस विभाग करेगा, और साथ में जनप्रतिनिधि मिलकर करेंगे कि हर एक शहर में एक स्पीड ऑडिट होना चाहिए कि किस क्षेत्र में या किस गली में या किस रोड पर स्पीड क्या होना चाहिए। दूसरा है कि स्पीड के बारे में अवेयरनेस, लोगों को लगता है कि थोड़ी तेज चलाऊंगा तो हो सकता है मेरी संभावना, लेकिन ये कह रहा है, मतलब हमारे डाटा ये कहते हैं, हमारे आंकड़े ये कहते हैं कि 30 किलोमीटर पर घंटा की अपेक्षा यदि आप 60 किलोमीटर चलाने लगते हैं तो आपके मरने की संभावना किसी दुर्घटना में 90% ज्यादा हो जाती है। ये आंकड़े सबको पता होना चाहिए जिससे कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े कि ज्यादा स्पीडिंग से कितना खतरनाक जो है वो उनका जिंदगी हो जाती है। दूसरा पिलर है सेफ व्हीकल, आपका वाहन जो आप चला रहे हो कितना सेफ है, क्या उसकी फिटनेस टेस्टिंग हो गई, क्या उसमें सीट बेल्ट है या नहीं है, आप हेलमेट पहन के चला रहे हैं या नहीं। तीसरा सेफ रोड, आप जिस रोड पर चला रहे हैं उनमें गड्ढे तो नहीं है, कर्व तो नहीं है, तो हमें पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर काम करना होगा, एनएचएआई के साथ मिलकर हम काम करेंगे कि रोड्स को हम कितना ज्यादा सेफ बना सकें, ब्लैक स्पॉट यदि है तो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। चौथा है सेफ यूजर बिहेवियर, जो आदमी गाड़ी चला रहा है या रोड पर चल रहा है वो कितना सुरक्षित होकर चल रहा है, कहीं वो ड्रंकन ड्राइविंग तो नहीं कर रहा, ड्रग्स लेके तो नहीं चला रहा, बिना हेलमेट के तो नहीं चला रहा। इन सारी चीजों के लिए जरूरी है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, और उसके लिए हमें शिक्षा विभाग के साथ मिलकर काम करना होगा, एनजीओस के साथ मिलकर काम करना होगा, यूथ के साथ, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा हम प्रशिक्षित कर सकें। और पांचवा पिलर हुआ बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है कि पोस्ट क्रैश रिस्पॉन्स, यदि गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कितना जल्दी से हम उस विक्टिम को नियरेस्ट अस्पताल पहुंचा सकें, ताकि गोल्डन आर का कॉन्सेप्ट है कि एक्सीडेंट के एक घंटे के अंदर आपने उसको अगर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी तो उसके बचने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हम मेडिकल सिस्टम के साथ मिलकर काम करेंगे, मैपिंग करेंगे एम्बुलेंसेस की कि भाई इस ट्रैक में यदि एक्सीडेंट होता है तो कौन सी एम्बुलेंस को बुलाया जाए, किस पीएचसी पे जाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। सर बस की जो फिटनेस वगैरह रहती है वो सब आरटीओ जारी करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार मध्य प्रदेश में ऐसा देखने में आया कि चाहे वो सीधी सिंगरौली घटना हो जिसमें कई लोग मारे गए या मुरैनाई घटना हो, ऐसी जब दुर्घटनाएं होती हैं तो इसके पीछे क्या वजह सामने आई, और जानकारी में जब आता है तो ऐसा लगता है कि परिवहन विभाग दोषी है, लेकिन क्या कारण क्या रहता है? देखिए सीधी सिंगरौली की दुर्घटना की बात की आपने, फिटनेस उसका कारण नहीं था, जो जिस बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसका फिटनेस वैलिड था, ड्राइवर की गलती थी, वो एक गलत रूट पे ले गया और नहर के किनारे जहाँ पे बेड नहीं थी उसमें चल दिया, ओवरलोडिंग इसलिए थी कि उस दिन बच्चों के कुछ एग्जाम थे, वो बहुत डिटेल विश्लेषण हुआ है। देखिए एक्सीडेंट्स के दो तीन कारण होते हैं, एक तो ड्राइवर्स का प्रशिक्षित ना होना, मैं सभी से अपेक्षा करूंगा और इसीलिए हमारे प्रशिक्षण केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है, तो महिलाओं के प्रशिक्षण के अलावा हम लोग पीपीपी मॉडल पे ज्यादा से ज्यादा ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि कोई आदमी बस अपने पिताजी से अपने भाई से सीख लेता है और जाके ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है, हम चाहते हैं कि हर एक ड्राइवर जो गाड़ी चलाए सड़क पर वो कुशल प्रशिक्षित होकर चलाए, किसी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में अच्छे से गाड़ी चलाना सीख कर चलाए, तो वो एक बहुत जरूरी चीज है। दूसरा एक अवेयरनेस वाली बात है भाई कि शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना है, ड्रग्स लेके गाड़ी नहीं चलाना, यदि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो गाड़ी नहीं चलाना, गाड़ी को तेज नहीं चलाना, ये सारी। और तीसरी बात जो मैंने रोड्स की कि हमारे रोड्स भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सीडेंट्स में, तो ऐसे स्पॉट यदि हैं तो हमारा पुलिस प्रशासन का, जनता का, जनप्रतिनिधियों का, सबका मिलकर ये प्रयास होना चाहिए कि हम ऐसे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करें और जल्दी से जल्दी उनको रेक्टिफाई करें। सर जब से आए आप ज्वाइन किया आपने जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मध्य प्रदेश के, तब से लगातार कोरोना मध्य प्रदेश में पैर पसारता रहा, लेकिन अब थोड़ा सा पीक टाइम खत्म हो गया है, आपको काम करने का काफी समय मिलेगा, क्या आगे योजना है? सबसे बड़ी प्रायोरिटीज तो मैंने दो आपको बताई, हम चाहते हैं कि हमारी ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन और फेसलेस हों, ताकि जनता को ज्यादा सुविधा पूर्ण तरीके से और ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी तरीके से हम लोग अपनी सेवाएं दे सकें। रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा हमारी प्राथमिकता है, तो विजन जीरो को हम चाहेंगे कि हर रोड सेफ्टी कमेटी, हर जिले की रोड सेफ्टी कमेटी तक ले जाएं, वहां के अधिकारियों से, दूसरे विभागों से, जनता से, एनजीओ से मिलकर हम कैसे सुरक्षित बिहेवियर ज्यादा लोगों का हो, कैसे वाहन ज्यादा सुरक्षित हो, कैसे रोड ज्यादा सुरक्षित हो, उस पर बात कर सके, ये हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी। और तीसरी प्राथमिकता हमारी यह है कि हम अपने सर्विसेज में, डिसीजन मेकिंग में जनता को कितना ज्यादा इन्वॉल्व कर सकें, ताकि उन सर्विसेज को और ज्यादा एक्सेसिबल बना सकें, ये हमारी।
तो निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश की जनता है उसको जोड़ करके ही परिवहन विभाग आगे बढ़ेगा और उनको अवेयर करने का प्रयास करेगा ताकि जो रोड पर होने वाली दुर्घटनाएं हैं वो कम हो सके और जो आरटीओ में आने वाले लोग हैं विशेष तौर से युवा उनको अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके। ये कहना है मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन साहब का। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सुभाष श्रीवास्तव, JK 24/7 न्यूज, भोपाल।